हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसी रियलिटी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ये एक टिकॉन, और ये टिकॉन हमारी एक सोनी टीवी की है जो कि बहुत ओल्ड में आई हुई है। और ये टिकॉन जो है सोनी में भी लगा हुआ रहता है, कुछ और भी मॉडल में लगा रहता है, क्योंकि पैनल पैनल होता है जिसमें वो यूज करे। और इसकी आईसी जो है अब दिख रहा होगा कि बहुत मोटी आईसी है, और ये थर्मल आईसी है, यानी इसकी पीछे की तरफ भी वो सोल्डर किया हुआ रहेगा, जो कि हमारा नॉर्मल जो ब्लोअर होती है ना, ये सब ब्लोअर चाहे बड़ी वाली, तो उससे ये आईसी बड़ी बड़ी आईसी निकलने की संभावना बहुत कम होता है, क्योंकि ये इतनी अच्छी तरह से इसको सोल्डर किया हुआ रहता है। बहुत काफ़ी मोटी आईसी है। हो सकता है आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप फिजिकली कभी इस तरह का 26 इंच का सेट अगर आपको ओल्ड मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक एक सैमसंग में भी यूज किया जाता है और ये सोनी में भी यूज किया जाता है। तो ये एक टिकॉन है जिसकी आईसी अच्छी है, और हमारे पास एक सोनी की मॉडल आई है जिसकी आईसी जो है वो ख़राब है। तो अधिकतर आपको याद रखना होगा, एलसीडी एलईडी जब आप मार्केट में बना रहे हैं या आप अपने दुकान पे बना रहे हैं, तो अधिकतर सामान जो है आपको स्क्रैप से ही काम निकालना पड़ेगा, क्योंकि नया जो आप सामान खरीदोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 50% वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। 50-50 में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको 30-70, यानी 30% हो सकती है, 70% नहीं होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमको भी, मैं भी स्क्रैप पे ही ध्यान देकर चलता हूँ। स्क्रैप अगर है तो आप स्क्रैप को कभी भी उसको फेंको नहीं, स्क्रैप को अच्छी तरह से रखो। जैसे ये एक टिकॉन है, इसकी जो हमारी मेन आईसी है वो सही है, और जो हमारे पास जो एक आई है टीवी, उसकी मेन आईसी जो है वो ख़राब है। तो मैं पहले इस आईसी को निकालेंगे। निकालने के लिए हमको ब्लोअर से ही आईसी निकलने के लिए चांसेस बहुत कम है, यानी आप अगर परसेंट पे चलोगे तो 100 में 10% निकलने की चांसेस है, क्योंकि ये बहुत काफ़ी मोटी है और काफ़ी ये जो हीट होगी, और इसकी टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 450 डिग्री तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनी वीजीए मशीन, इस वीजीए मशीन को मैं बहुत पहले भी रिव्यू दे चुका हूँ, फिर भी मैं आज दे रहा हूँ कि आपको एक मिनी वीजीए मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि पतली पतली आईसी, छोटी आईसी आप बुलवर से रिवर्क स्टेशन से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो आईसियाँ है, मोटी मोटी आईसियाँ है, जैसे सोनी की और वीजीए आईसी, ये सब आपको निकालने में बहुत दिक्कत होगी, कठिनाइयाँ होगी, नहीं भी हो सकता है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है कोई कोई निकाल लेते होंगे, लेकिन कठिनाइयाँ बहुत होगी। दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग मुंबई में स्टार्ट होने जा रही है 18 से 22, जिसकी नीचे आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा, विथ बॉन्डिंग मशीन के साथ A to Z प्रैक्टिकल 15 मेंबर का बैच। अगर आपको ट्रेनिंग है लेनी है तो 8882861028 पर कॉल करके अपना सीट बुक करा लें। कोलकाता के लिए जो डेट है वो मई महीने की 10 से 14, 5 दिन का विथ बॉन्डिंग मशीन। इसमें अगर ट्रेनिंग लेना है तो 9874622670 पर कॉल कर लें। बांग्लादेश से बोलते चाची, 22 तारीख दिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो गए, सही ट्रेनिंग टा वीसा ना पावा जो ने 26 तारीख दे स्टार्ट होचे, अमार वीसा 24 तारीखे पे जाबो, আর আমি 24 তারিখে ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশের জন্য রওনা হব। 26, 27, 28, 29 এই 4 দিন বাংলাদেশে ট্রেনিং হবে। আব হামলোক ইস আইসি কো নিকালে। তো আপ সোচতে হোগে কি স্যার হমকো ভি কিয়া ভিজিএ মেশিন খরিদনা হোগা। দেখো, ভিজিএ মেশিন সময় কে অনুসার হর কোই কো টুলস কি জরুরত হতি হে। টুলস আগর নহি রাহা তো আপ কভি ভি सक्सेस नहीं होंगे। आपको अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप खरीद सकते हो मार्केट में। जब भी खरीदो अपना पहले बजट देखो, कोई वीडियो के हिसाब से आपको चूज करना कि मेरे को खरीदना ही है, ये गलत बात है। पहले अपना आर्थिक स्थिति देखें कि हमारा कैसा है, क्या काम का है कि नहीं, तब आप कोई भी टूल खरीदें। पहले हम देख लें, इसको हम लोग लाइन दे दें। वीजीए मशीन हमको लेने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इसका एक हीट प्लेट होता है, यानी ये नीचे से भी हीट होता है और ऊपर से भी होता है। ये एक आईआर है,
यानी ये रे के सहारे, मैं इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो चालू हुआ तो देख रहा है कि ये हमारा यहाँ पर मैं हाथ दे रहा हूँ तो ये हमारा गर्म नहीं होता है, ये दिख रहा है ना, ये IR, इसी IR के सहारे ये जो हमारा IC है वो ओपन होता है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब हम इसको बंद कर देंगे और पहले हम हीट को चालू कर देंगे, यानी प्री हीट जो जिसको बोलते हैं हीट प्लेट, इसको चालू कर देंगे। चालू करने के बाद इसकी सेटिंग आप देख सकते हो कि मैंने 250 पर रखा है और इसकी भी सेटिंग लगभग 200 पर है, यानी इतना ही टेम्परेचर पे ये IC खुलेगी और कुछ इस तरह से आपको इसको खोलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको एक पेन होना चाहिए, वैक्यूम पेन, जो कि ये बड़ी चौड़ी IC है और मोटी है, तो ये कोई भी साइड ट्यूजर से तो नहीं निकलेगा। अगर हम इधर उधर करेंगे तो हो सकता है इस IC की आजू बाजू वाली कंपोनेंट जो है वो रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो हमको सेफ्टी भी लेकर चलना पड़ेगा। तो हम समय कर बर्बाद न करें और इस IC को सेफ्टी हम निकालें, क्योंकि हमको कहीं दूसरी जगह यूज करना है। बात याद दोस्तों, आप लोग बात को, इस बात को ध्यान देना, कोई भी IC निकालो आप उसको समझो कि हम उसको दोबारा यूज करने वाले हैं। अगर ख़राब भी है तो आप उसको समझो कि ये अच्छा है, हमको दोबारा यूज करना है, ऐसे आप सोचोगे तो कोई भी खराब भी IC बहुत अच्छी तरह से आप निकाल पाओगे। खराब अगर IC आप अच्छी तरह से निकाले तो अच्छा IC भी आपको अच्छी ही निकलेगा, ये आपको मन में बिठा लेना होगा। तो हम लोग आगे चलें। ये सब ट्रिक, टिप्स, तरीका निकालने का, VGA मशीन, बॉन्डिंग मशीन, आपको बॉन्डिंग मशीन के ट्रेनिंग, हमको बॉन्डिंग मशीन खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ज़रूरी है कि नहीं है, कितना परसेंट ज़रूरी है, कैसा खरीदना है, क्या दाम का खरीदना है, A to Z जो है हमारी ट्रेनिंग में होती है। आपको याद रखना होगा दोस्तों, A to Z हमारी ट्रेनिंग में होती है। अगर आप कलकत्ता की ट्रेनिंग में आ रहे हैं 5 दिन की, तो आपको फुल प्रैक्टिकल A to Z दिया जाता है, सिखाया जाता है, खासकर पैनल और स्मार्ट बोर्ड, आपको याद रखना होगा, पैनल और स्मार्ट बोर्ड पर ध्यान दे के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 174-177 दिखाई दे रहा है, ये लगभग हमने 200 पे सेटिंग पे रखा है, जो IR प्री हीट प्लेट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि कृपया करके जो हमसे ट्रेनिंग लिए हैं या ट्रेनिंग लेने के बाद ही हमसे बॉन्डिंग मशीन खरीदने के लिए बात करें। मैं नए लोग के लिए बॉन्डिंग मशीन नहीं बेचता हूँ, पहले आप ध्यान धर ले कि आप अगर बोलोगे कि सिर्फ बॉन्डिंग मशीन सर सेल करेंगे क्या, तो मैं नहीं करता हूँ सेल। अगर कोई हमसे ट्रेनिंग लिया है और वो बॉन्डिंग मशीन खरीदना चाहता है तो मैं उसको सेल करूँगा। आप पहले ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद अगर आपको बॉन्डिंग मशीन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। हमारे पास बॉन्डिंग मशीन अवेलेबल है, बहुत तरह का है, लेकिन जो ट्रेनिंग लिए हैं उनके लिए है, जो ट्रेनिंग हमसे नहीं लिए हैं उनके लिए नहीं है। कृपया करके इस बात को आप ध्यान दें। अब हम लोग क्या करें, ये लगभग 200 में आ गया। अब हम इसकी IR हीट लैंप, आपको यहाँ दिख रहा होगा IR हीट लैंप, ये लगभग 250 के ऊपर सेट है। अब हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करके ये सेफ्टी जो है इसको हम ग्लास को नीचे कर देंगे और ये कुछ देर में, हालांकि बड़ी IC है थोड़ा सा समय लगेगा, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा धुआं निकलते हुए, तो उसके ऊपर में पेस्ट दिया गया है, पेस्ट जो जल रहा है इसलिए धुआं निकल रहा है। ये बड़ी IC है, मोटी IC है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सेफ्टी निकलेगा। ये जो निकलेगा आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आपको बात को ध्यान धरना होगा कि ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, अगर आप सोचोगे कि स्क्रैप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, आप स्क्रैप को कभी ना फेंके, कभी भी फ्यूचर में वो काम में आ सकती है। देखे कुछ देर में आपको लगभग 2-3 मिनट के बाद आपको ट्राई करना होगा और इस वैक्यूम पेन से, कि ये आपको अंदाज होना चाहिए, और जब तक आपको अंदाज नहीं होगा तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। आपको क्योंकि ये बहुत मोटी IC है, आपको इतना बात को ध्यान देकर चलना होगा, कोई भी IC को आपको सेफ्टी निकालना होगा। ये अभी नहीं हुआ है, 2-3 मिनट समय लगता है, जो कि ये ब्लोअर से नहीं होगी।
दो मिनट हुआ, मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लूँ। दो मिनट हो गया, अभी भी नहीं हुआ है। लगभग 3 मिनट का समय लगता है, मेरा ये अनुमान है, अंदाज है, क्योंकि मैं बहुत बार आईसी को निकाला हूँ। आप लोग को दिखा रहा हूँ कि कुछ इसी तरह से आईसी निकालने का मकसद है, हमको सेफ्टी निकालना होगा। जब तक हमारी सेफ्टी नहीं होगी तो ये आईसी नहीं निकलेगी। लगभग 3 मिनट हो गया दोस्तों। अब देखिए, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ये कोई ये नहीं है कि जैसी बड़ी आईसी वैसा ये समय लगता है। और मैं एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में मैं काम कर रहा हूँ, मैं ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और देखिए ये हुआ कि नहीं, ये हमारा रेप जब बंद होगा तब हम पेन को लगाएंगे। दोस्तों देखिए, ये जो आईसी है वो हमारी निकल चुकी है। अब हम तुरंत इसको रे को बंद कर देंगे। एक हाथ से ही हम काम कर रहे हैं दोस्तों, तुरंत हम इसको बंद कर देंगे और हीटर को बंद कर देंगे। और ये आईसी आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये निकल के पूरा एकदम क्लियर जो है वो निकल आई। बहुत मोटी आईसी है, लगभग इसको 3 मिनट समय लगा, यानी इसको निकालने में 3 मिनट हमारी समय जाया हुआ। और ये बहुत मोटी आईसी है, आपको दिख रहा होगा थिकनेस इसका, देखिए कुछ इस तरह से। बहुत पतली आईसी जो है वो आप वीजीए मशीन बुलवर से निकाल सकते हैं। अब इसको हमको क्या करना होगा, अब मैन्युअली सोल्डर करना होगा। और यहाँ हमारा जो पीसीबी देख रहे हैं, ये हमारा पीसीबी भी कुछ इस तरह से, कहीं कोई भी ट्रेक या किसी तरह से कोई कॉम्पोनेंट कुछ हमारा ख़राब नहीं हुआ है, यानी कुछ निकला हुआ नहीं है, ये देख सकते हैं। इसका खासियत ये है। तो दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेनिंग है वो बांग्लादेश में है, और उसके बाद मुंबई, और उसके बाद कोलकाता। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए।